हाल ही में पाकिस्तान से सूबे बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव भड़का था। दोनों देशों ने एक दूसरे के मुल्क की जमीन पर एयर स्ट्राइक भी की थी। उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद दोनों देशों के बीच जंग भी भड़क सकती है, लेकिन बाद में मामला थम गया था। लेकिन अब अचानक से दोनों देशों के बीच फिर से तनाव भड़क गया है। दरअसल पाकिस्तान से सटे हुए ईरान के दक्षिण पूर्वी सीमा के इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने शनिवार को 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की पुष्टि ईरान में पाकिस्तान के राजदूत ने की है। वही ईरानी मीडिया का कहना है कि पुलिस उन 3 बंदूकधारियों की तलाश कर रही है जो गोलीबारी की बाद मौके से फरार हो गए थे। इस पूरी घटना से पाकिस्तान तिलमिला गया है और उसके विदेश मंत्रालय ने कड़ा बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच के हवाले से एक बयान में उन्होंने कहा है कि एक भयावह और घृणित घटना है और हम इसके स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और घटना की तुरंत जांच करने और अपराध में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत की बात उन्होंने मजबूती से कही है। बलोच ने कहा कि साउथ ईस्ट ईरान के शहर जाहिदान में पाकिस्तान के डिप्लोमेट अस्पताल जा रहे हैं, जहां घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है और लंबी दूरी और सुरक्षा जरूरतों के कारण कुछ घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के राजनयिक स्थानीय अधिकारियों से भी मिलेंगे और अन्य बातों के अलावा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को सिस्तान और बलूचिस्तान में अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों द्वारा 9 गैर ईरानी नागरिकों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद लोगों ने शनिवार तड़के सरवंत काउंटी के एक घर में विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए सभी पाकिस्तानी पंजाब और सिंध प्रांत के रहने वाले थे। वो एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करते थे। हमले में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वही पाकिस्तान के राजदूत मुद्दसीर टीपू ने इस घटना पर कहा, ईरान में 9 पाकिस्तानियों की मौत से हैरान हूं। काउंसिल जाहिदान घटनास्थल पर रवाना हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ईरान जांच में हमारा सहयोग करे। पाकिस्तान और ईरान के बीच ये ताजा विवाद है। ये घटना ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए हमले के 12 दिन बाद हुई है। दरअसल 16 जनवरी की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान में 48 किलोमीटर अंदर एयर स्ट्राइक की थी। ये मामला और ये हमला सरवन शहर में हुआ था। पाकिस्तान ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद वहां से राजदूत मुद्दसीर टीपू को वापस बुला लिया था। दोनों देशों में तनाव कम होने के बाद टीपू एक दिन ही तेहरान पहुंचे थे। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के उन्हीं के इलाकों में एयर स्ट्राइक की और जहां बलूच बहुल आबादी रहती है। पाकिस्तान में बलूच कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि उनके लोगों की गैर कानूनी हत्याएं की जा रही है, उनके लोगों को अगवा कर टॉर्चर किया जा रहा है। बलूच एक्टिविस्ट मामले की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।